हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे, नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये पिक के कार्ड रीडिंग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने 6 कार्ड्स यहाँ पे स्प्रेड करके रखे हुए हैं। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी कोई भी एक सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी एक विश पूछ सक यूनिवर्स से पूछ सकते हैं, और उसके लिए आप यहाँ पे पाइल चूज़ कर सकते हैं। ये पाइल 1 है, यहाँ से 2, 3 आपको बता दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कर लीजिए। एक विश के लिए आप एक पाइल चूज़ कीजिए, और एक से ज़्यादा के लिए आप दूसरा पाइल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप 3 विश एक साथ इस रीडिंग में पूछ सकते हैं, लेकिन कार्ड्स डिफरेंट आपको चूज़ करने होंगे, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। तो कार्ड्स चूज़ कर लीजिए, अपने विश को पूछिए यूनिवर्स से, डिवाइन से, देखते हैं क्या आपके लिए मैसेज आता है। आई होप आपने कार्ड चूज़ किया होगा, सभी कार्ड के साथ एक एक गाइडेंस है यहाँ पे। तो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, आपने जो विश पूछी है उसका। वाओ, तो जो आपने सवाल पूछा है यहाँ पे उसका जवाब यस है। आपने जो भी सवाल किया है उसका जवाब यहाँ पे आपको यूनिवर्स ही कहना चाहते हैं कि आपने जो भी सवाल पूछा है उसका जवाब यस में है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे अपने बिजनेस से रिलेटेड या आपने कोई भी जो सवाल पूछा है, अगर मुझे आप ऐसा लग रहा है कि किसी ने वर्क के लिए अगर कुछ पूछा है, तो यहाँ पे आपके लाइफ में यूनिवर्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या जिस भी पर्पस से आपने इस कार्ड को चूज़ किया है उसमें आपका रिप्लाई यस है, ओके। और पाइल 1 आपके लिए जो गाइडेंस है वो देखते हैं। द फाइनली सी योर वर्थ नाउ, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे आपके वर्क प्लेस में मुझे ज़्यादा फील हो रहा है, या आप जहाँ कहीं भी इस वक्त हैं, इस आपकी वर्क प्लेस में, आपके बिजनेस में या फैमिली में, वहाँ पे आपकी वर्थ यहाँ पे समझ में आने वाली है, ठीक है। या फिर ये लव कनेक्शन भी हो सकता है। अगर आपने अपने लव कनेक्शन के लिए पूछा था सवाल, जो भी सवाल पूछा था उसमें आपके लिए मैसेज है कि आपके पर्सन को आपकी वर्थ समझ में आ रही है, ओके। पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है उसके लिए, उनके लिए देखते हैं कि यूनिवर्स का क्या रिप्लाई है। ओ माई गॉड, पाइल 2, आपने जो भी सवाल पूछा है यहाँ पे, जो भी अगर आपने विश आपने पूछी है यूनिवर्स से कि आपकी विश पूरी होगी कि नहीं होगी, तो पाइल 2 डेफिनेटली आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, और बहुत जल्दी होगी, डिवाइन की ब्लेसिंग्स से यहाँ पे होगी। 10 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट होना यहाँ पे निश्चित है, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए गाइडेंस है, मैसेज है, आई विल अपहोल्ड यू विद माई राइटियस राइट हैंड। तो देखिए यहाँ पे इस कार्ड के साथ ही कितना कनेक्टेड मैसेज है यहाँ पे, कि आपकी विश जो भी फुलफिल होगी ना, वो यहाँ पे डिवाइन खुद फुलफिल करेंगे, ठीक है। डिवाइन ने आपका, यूनिवर्स ने आपका खुद यहाँ पे हाथ पकड़ा हुआ है। अगर आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए आपने पूछा या आपने कोई सवाल पूछा है, तो उसका जवाब यहाँ पे यस है, ठीक है। और उसके बाद पाइल 3, वाओ, तो जिन्होंने पाइल 3 को चूज़ किया है, यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली होगी। अगर किसी व्यूअर का सवाल ये था कि क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं, या आपके पर्सन आपके लिए ट्रू हैं कि नहीं, आपके लिए लॉयल हैं कि नहीं, तो यस, डेफिनेटली आपके पर्सन यहाँ पे लॉयल हैं, आपके लिए ट्रस्ट वर्दी हैं, और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं, या फिर आपने जो भी सवाल पूछा है उसका जवाब यहाँ पे यस है, ठीक है। आप जो भी आपने पूछा है उसके लिए यूनिवर्स ने आपको यस कहा है। और उसके बाद गाइडेंस क्या है, तो पाइल 3 आपके लिए देखिए यूनिवर्स की गाइडेंस है। यूनिवर्स इज़ ऑलवेज सेंडिंग यू इंस्पिरेशन, यू हैव टू जस्ट लिसन एंड अलाउ। आपके जो भी सवाल था उसके लिए यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको साइंस दे रहे हैं, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड कर रही है। तो आपके इंट्यूशन को फॉलो करना है कि आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, जिससे आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये स्टार का कार्ड है और रिवर्स में आया है, तो यहाँ पे जो भी आपने सवाल पूछा है उसका जवाब नो है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी सवाल पूछा है उसका यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो आपने पूछा है या आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब नो है। और अगर कोई आपने विश फुलफिलमेंट का पूछा है, तो यूनिवर्स आपको अभी कहना चाहते हैं कि नॉट द राइट टाइम, ठीक है। मुझे यही वर्ड सुनाई दे रहा है, नॉट द राइट टाइम। तो आप समय का इंतज़ार करें, आपकी विश पूरी ज़रूर होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। और उसके बाद पाइल 4,
यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस क्या है देखते हैं। वाओ, द यूनियन ऑफ अ डिवाइन सोल काउंटर पार्ट इज अ मिरेकुलस इवेंट दैट बिगिंस व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। तो यूनियन यहाँ पे देखिए, आप अगर आपने यूनियन का यहाँ पे पूछा है, किसी ने आपने ये सवाल पूछा है कि आपका आपके पर्सन से यूनियन होगा कि नहीं, आपके काउंटर पार्ट से यूनियन होगा कि नहीं, आपके डिवाइन मस्कुलाइन से यूनियन होगा कि नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि यूनियन निश्चित तौर पर होगा ही होगा, ठीक है। यूनियन ऑफ डिवाइन सोल काउंटर पार्ट इज मिरेकुलस इवेंट, तो यहाँ पे एक मिरेकुलस इवेंट की तरह होगा, अनएक्सपेक्टेड वे में होगा, जब आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, ठीक है। यहाँ पे उस तरीके से यहाँ पे यूनियन आपका निश्चित तौर पर होगा और ये डिवाइन कनेक्शन है यहाँ पे, अगर आप किसी लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं। और अगर आपने जो सवाल पूछा था उसके लिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको इस गाइडेंस के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, लेकिन उसके लिए आपको सही समय का इंतज़ार करना होगा, लेकिन पूरी ज़रूर होगी। ओके, वाओ, देखिए यहाँ पे और पाइल फाइव जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए भी यहाँ पे यस का कार्ड है। यहाँ पे आपने जो सवाल पूछा है वो यस है उसका सवाल जवाब। और यूनिवर्स, अगर आपने कोई विश फुलफिलमेंट के लिए पूछा है, यहाँ पे आपने कोई यूनिवर्स को पूछा है कि आपकी कोई विश है जो वो पूरी होगी कि नहीं, तो यस डेफिनेटली आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, आपके लाइफ में न्यू, आप यहाँ पे इमोशनल बैलेंस यहाँ पे आपके लाइफ में आ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। न्यू कनेक्शन भी आ रहा है, अगर आप यहाँ पे न्यू कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, और यूनिवर्स की गाइडेंस है आपको, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। तो यूनिवर्स आपको इस कार्ड के साथ में यहाँ पे ये गाइड करना चाहते हैं कि आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। अब यहाँ पे आपको अपने नेगेटिव थॉट से, अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न से मूव करना है, और जो आप अभी तक पैटर्न फॉलो करते आ रहे थे उस पैटर्न को ब्रेक करना है, ठीक है। उस पैटर्न को ब्रेक करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ना है। किंग ऑफ कप्स, तो जिन्होंने पाइल सिक्स को चूज़ किया है, तो यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। यहाँ पे आपको अपने यहाँ पे थोड़ा सा स्टबननेस आपको कम करने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा रूड बिहेवियर जो आप कर रहे हैं, जो एक्चुअल में आप रूड नहीं हैं, उस रूडनेस को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आइए, ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। और जब आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आएंगे तब आप यहाँ पे अपनी विश फुलफिलमेंट से कनेक्ट हो पाएंगे। और यहाँ पे अगर आपने आपका कोई सवाल था तो यस डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए है, यूनिवर्स इज सेइंग यू हैव एन इम्पॉर्टेंट लाइफ मिशन टू सर्व एंड ओनली यू कैन फुलफिल इट। देखिए कितना प्यारा मैसेज है यहाँ पे। तो यूनिवर्स जिन्होंने पाइल सिक्स को चूज़ किया है, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपने जो सवाल पूछा है उससे आपका एक बहुत बड़ा सोल पर्पस जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपका इस लाइफ टाइम में एक बहुत बड़ा मिशन है जो यूनिवर्स ने आपको देकर भेजा हुआ है, ठीक है। उसके लिए आप रेडी रहें, आपने जो भी सवाल पूछा है उसका जवाब यस है, आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। ओके, तो ये थी आपके लिए पाइल्स पिका पाइल रीडिंग। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, और रेजोनेट होती है तो प्लीज़ बताइएगा, और क्या मुझे इस तरीके की रीडिंग को कंटिन्यू करना चाहिए वो भी बताइएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।